पहियों पर चलती है, उसका जो पैर है वो कैसे छोटे पहियों पर चलता है। देन थर्ड है मून, मून उनका मीनिंग होता है डे। जैसे आपने माउंटेन देखा होता है तो माउंटेन का शेप कैसा होता है और ट्राइंगल के जैसा होता है, वैसे ही जैसे जब वो कॉन्फेंसिव डालता है तब वो माउंटेन की तरह देखा जा सकता है, जिसको हम डे कह सकते हैं। मून का आ गया उसके लिए स्पेलिंग, यहाँ पे वर्ड मून यूज़ किया गया है। देन फॉर कोशिश प्लीज, कोशिश इसका मेन कारण होता है गुजराती आवाज। उसके बाद है क्लस्टर, क्लस्टर का मीनिंग होता है समान का समूह। तो हमने न्यू वर्ड देखे, अभी हम थोड़े से क्वेश्चन देखेंगे, हमने पॉइंट से पूछ नहीं सकते, हम थोड़े से क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर, इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर, मतलब कौन से सीजन में आइसक्रीम बहुत पॉपुलर होती है। आपको पता है आप आइसक्रीम कौन से सीजन में खाते हो, तो कौन से सीजन गर्मी की छुट्टी में आप आइसक्रीम खाते हो, मतलब कि समर, जिसको इंग्लिश में समर कहते हैं। तो आइसक्रीम इज पॉपुलर इन समर सीजन, आइसक्रीम इज पॉपुलर इन समर सीजन। द सेकंड क्वेश्चन है, हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन, हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन, मतलब आइसक्रीम मैन को देखकर सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है, आइसक्रीम मैन को देखकर सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है। तो द चिल्ड्रन फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन, द चिल्ड्रन फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन, मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं वो बहुत खुश होते हो जाते हैं जब आइसक्रीम वाला आइसक्रीम लेके आता है। देन थर्ड है, नेम द डिफरेंट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज इन हिज कार्ट, नेम द डिफरेंट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज इन कार्ट, मतलब जो आइसक्रीम वाला आइसक्रीम बेचने आया था तो कोई भी उसके पास कौन कौन से फ्लेवर थे, तो हमने देखा उसके पास कौन कौन से थे, वेनिला थे, चॉकलेट था, स्ट्रॉबेरी, ऐसे अलग अलग टाइप के फ्लेवर उसके आइसक्रीम में थे। देन फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू थिंग्स दैट द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग, व्हाट आर द टू थिंग्स दैट द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग, तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आइसक्रीम मैन बेच रहा था। तो हमने कोई में पढ़ा तो वो क्या क्या बेच रहा था, तो आइसक्रीम मैन वाज सेलिंग आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम मैन वाज सेलिंग आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स, वो क्या बेच रहा था, आइसक्रीम बेच रहा था और कोल्ड ड्रिंक्स बेच रहा था। उसके बाद फिफ्थ है, व्हाट इज द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर्ड टू इन द पोएम, व्हाट इज द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर्ड टू इन द पोएम, मतलब जो आइसक्रीम का जो कार्ट है उसको किसके साथ कंपेयर किया गया है। तो हमने पोएम में देखा किसके साथ कंपेयर किया गया है, फ्लावर बेड के साथ कंपेयर किया गया है। द आइसक्रीम कार्ट वॉज कंपेयर्ड विद अ फ्लावर बेड इन द पोएम, द आइसक्रीम कार्ट वॉज कंपेयर्ड विद अ फ्लावर बेड इन द पोएम, फ्लावर बेड के साथ उसको कंपेयर किया गया है। जैसे फ्लावर बेड उसके उस फ्लावर के आगे पीछे कैसे मधुमक्खियाँ और हम उसके आजू बाजू कैसे घूमती रहती है, वैसे ही जब आइसक्रीम वाला आता है तो उसके कार्ट के आगे पीछे चिल्ड्रन जो बच्चे हैं वो घूमते रहते हैं। उसके बाद है, राइट अबाउट सम ऑफ द एक्साइटिंग एंड एंजॉयबल थिंग्स दैट वन कैन डू इन द विंटर सीजन, राइट अबाउट सम ऑफ द एक्साइटिंग एंड एंजॉयबल थिंग्स दैट वन कैन डू इन द विंटर सीजन, ऐसी चीजें लिखो जो आपको विंटर में करना बहुत पसंद है। तो यहाँ पर जो मुझे पसंद है वो मैंने लिखी है, मुझे सबसे मुझे पसंद है बिल्ड अ स्नोमैन, मुझे बर्फ का स्नोमैन बनाना बहुत पसंद है। देन सेकंड है, राइट माय लेटर टू सांता क्लॉज, मुझे सांता क्लॉज को, ठंड के सीजन में क्रिसमस का फेस्टिवल आता है तो हम सांता क्लॉज को लेटर भी लिख सकते हैं। देन थर्ड है, मेक हॉट सूप एंड ईट इट टुगेदर, हम हॉट सूप ठंडी का सीजन होता है इसलिए हम हॉट सूप बना के उसको साथ मिलकर पी सकते हैं। देन मेक क्रिसमस ट्री डेकोरेशन, हम क्रिसमस का त्यौहार के और ठंडी के एड्रेस की वजह से हम क्रिसमस ट्री डेकोरेशन भी कर सकते हैं। फिर हम एक फोटो इन फ्रंट ऑफ क्रिसमस ट्री, एक फोटो इन फ्रंट ऑफ क्रिसमस ट्री, मतलब हम क्रिसमस ट्री के सामने लेकर और फोटो भी खिंचवा सकते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज है जो हम विंटर में कर सकते हैं। उसके बाद है, लिस्ट एज मैनी समर एक्टिविटीज एज यू कैन, लिस्ट एज मैनी समर एक्टिविटीज एज यू कैन, मतलब ऐसी एक्टिविटीज लिखो जिससे आप समर में कर सकते हो,
खेल सकते हैं, चेस खेल सकते हैं, देन आउटडोर मतलब घर के बाहर अगर आपको कौन सी चीज़ें कर सकते हैं तो हम आउटडोर गेम्स खेल सकते हैं, जैसे कि क्रिकेट खेल सकते हैं, वॉलीबॉल खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, खो खो खेल सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आउटडोर कर सकते हैं। देन और क्या कर सकते हैं घर के बाहर जाकर, तो हम अलग अलग प्लेस की मुलाकात ले सकते हैं, म्यूजियम की विजिट ले सकते हैं, देन फार्म फार्म में जाकर उसकी विजिट ले सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आउटडोर भी कर सकते हैं। तो आज हमने पोएम देखी, थोड़े से क्वेश्चन आंसर देखे, उसके बाद हम समर वेकेशन में क्या सर कर सकते हैं वो देखा, देन हम विंटर में क्या कर सकते हैं वो देखा। अभी बाकी के जो एक्टिविटी